नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे कंपनीज पर जीएसटी का फायदा ग्राहकों को ना देने का आरोप लगा है। इसके साथ ही जानेंगे क्यों जल्द ही एनबीएफसी को मिल सकती है ई केवाईसी की मंजूरी, और देखेंगे इस साल प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश में कितना इजाफा हुआ है। लेकिन शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 के साथ। पीएम मोदी ने 5-6 साल पहले इकोनॉमी के विनाश की तरफ जाने का आरोप लगाया, कहा हमारी सरकार ने दी है स्थिरता। एयरटेल के मुखिया सुनील भारतनत्तल ने ट्राई से दखल देने की मांग की, कहा बर्बाद हो रहा है हमारा सेक्टर। इंटरनेट शटडाउन के मामले में दुनिया में सबसे आगे भारत, इस साल 95 बार बंद हुआ नेट। लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ डीजल, शुक्रवार को 15 से 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए दाम। टाटा मोटर्स ने फास्ट ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की, 31 मार्च तक 300 स्टेशन लगेंगे। गूगल में नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे, कंपनी अगले साल तक और 300 नई नौकरियां निकालेगी। भारतीय डॉक्टर्स नर्सेस को ब्रिटेन में आसानी से मिलेगी सरकारी नौकरी, नए वीजा सिस्टम को मिली मंजूरी। वन प्लस की चुनौती, खतरों और खामियों का पता लगाने वाले को देगी 4,90,000 रुपए तक का इनाम। यामाहा ने BS6 स्कूटर यहां फैसनिको 125 लॉन्च किया, 66,000 रुपए कीमत। जल्द ही टाटा सन्स बन सकती है पब्लिक कंपनी, NCLT के आदेश का अध्ययन कर रहा है ROC। हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने नेस्ले पर 90 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये पेनल्टी जीएसटी में कटौती का फायदा ग्राहकों को न देने पर लगाई गई थी। अब एक सर्वे में दावा किया गया है कि ज्यादातर कंपनीज जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को देने की जगह खुद मुनाफा कमाने की कोशिश करती हैं। जीएसटी लागू होने के बाद सभी को उम्मीद थी कि देश भर में अब सभी सामान एक दाम में मिलेंगे, और जीएसटी लागू होने से ग्राहकों को वाजिब दाम पर सामान मिलेगा। लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद टैक्स की प्रक्रिया जटिल हो गई है, और इस खामी का फायदा उठाकर कंपनियां ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा पहुंचाने से बच रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफा रोधी प्राधिकरण यानी NAA ने नेस्ले पर जीएसटी में की गई कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाने पर 90 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका था। NAA ने भी अपने बयान में कहा था कि नेस्ले ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों को देने के संबंध में जो तरीका अपनाया है वो मनमाना और अवैध है। इससे टैक्स में कटौती का फायदा देने में निष्पक्षता और असमानता रहने की बात भी NAA ने कही थी। ये बयान अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि जीएसटी की जटिल प्रक्रिया इसका फायदा कंपनियों को टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक न पहुंचाने से बचने में मदद करती है। अब एक सर्वे में भी यही आरोप लगाया गया है कि देश की ब्रांडेड कंपनियां ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का फायदा नहीं दे रही। ये खुलासा लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में हुआ है। सर्वे में शामिल करीब आधे लोगों ने माना कि कंपनियों ने ग्राहकों को फायदा देने की जगह उत्पादों के बेस फेयर में बढ़ोतरी करके अपना मुनाफा बढ़ा लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल केवल 12% लोगों ने माना कि कम टैक्स का पूरा फायदा उन्हें मिला है। वहीं 23% लोगों का मानना है कि कंपनियों ने टैक्स कटौती का आंशिक फायदा ही ग्राहकों को दिया है। सर्वे में शामिल 47% लोगों का मानना है कि कम टैक्स का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि कंपनियों ने उत्पादों का बेस फेयर बढ़ाकर टैक्स कटौती का फायदा देने के बजाय अपना मुनाफा बढ़ा लिया है। 18% लोगों ने इस बारे में कोई राय जाहिर नहीं की। वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग तरह के टैक्स को खत्म कर एक देश एक टैक्स की भावना से 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद से अब तक जीएसटी काउंसिल कई उत्पादों और सेवाओं पर कर की दरों में कमी कर चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादों और सेवाओं पर की गई कर की दरों में कटौती का मुख्य मकसद ग्राहकों के लिए खरीदारी को किफायती बनाना था, लेकिन कई ब्रांडेड कंपनियों ने जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया और खुद मुनाफाखोरी में लग गई। आज तक ब्यूरो। नगदी संकट से परेशान एनबीएफसी को जल्द ही राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय RBI के साथ मिलकर ई केवाईसी को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए NPCI को थर्ड पार्टी बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसे मंजूरी मिलने के बाद NBFCs को फिजिकल वेरिफिकेशन में होने वाला खर्च घटाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय एनबीएफसी के ग्राहकों के ऑथेंटिकेशन के लिए आधार के जरिए ई केवाईसी की मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। इस पर आखिरी फैसला करने से पहले वित्त मंत्रालय आरबीआई, यूआईडीएआई और एनपीसीआई से चर्चा कर रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो एनबीएफसी, फिनटेक लेंडर्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग करने वाले प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल वॉलेट्स को नए अकाउंट्स की ई केवाईसी करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन कंपनियों को नए अकाउंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें काफी वक्त और रकम बर्बाद होती है। ऑफलाइन वैलिडेशन ऑफ आधार जो होती है, ऑफलाइन केवाईसी जिसे हम बोलते हैं, इसमें आधार के डेटाबेस से डायरेक्टली आपकी बायोमेट्रिक या आधार नंबर नहीं लिया जा सकता। ये आप स्वेच्छा से जो बाकी डिटेल है, यानी आपकी जो बायोमेट्रिक डिटेल है या आधार नंबर है, उसको छोड़ करके आप बाकी डिटेल शेयर करते हैं, मगर वो एक तरीके से वेरीफाइबल होता है कि आप जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो सही है। और जो नियम है आरबीआई के नियम के हिसाब से, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिस्ट में पोजेशन ऑफ आधार नंबर, यानी आधार नंबर है, इसको अगर हम प्रूफ कर सकें तो उसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानी जाती है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर के संपर्क में हैं। ये लोग यूआईडीएआई और एनपीसीआई के साथ मिलकर एनबीएफसीज के लिए ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन के प्रावधानों को लागू करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन कंपनियों को यूआईडीएआई के डेटाबेस तक सीधी पहुंच देने में सरकार हिचकिचा भी रही है। इसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है कि जांच प्रक्रिया का काम किसी तीसरी पार्टी को दे दिया जाए और एनपीसीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रेगुलेटेड बैंकों के अलावा किसी और को यूआईडीएआई के डेटाबेस तक पहुंच नहीं दी जाएगी। एनबीएफसीज और फिनटेक सेक्टर लंबे वक्त से यूआईडीएआई के डेटा तक पहुंच हासिल करने की मांग कर रहे हैं। इससे उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ग्राहकों की जांच करना मुश्किल हो सकता है। एनबीएफसी सेक्टर काफी समय से नकदी की किल्लत से परेशान है। इस प्रक्रिया के लागू होने से उसे खर्च में कटौती करने में भी मदद मिलेगी। ये तीन तरीके से ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो सकती है। एक तो XML फाइल के थ्रू होती है, दूसरा एक PDF फाइल के थ्रू होती है, और तीसरा तरीका है QR कोड के द्वारा। तीनों प्रक्रियाएं में थोड़ी सी जानकारी जरूरी होती है वेबसाइट की। आपको UIDAI के वेबसाइट पे जाकर के, अगर आपको XML वाली प्रक्रिया करनी है तो ऑफलाइन KYC के सेक्शन में जाके आपको काम करना होगा। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको UIDAI के वेबसाइट में जाकर के और मास्क माई आधार नंबर और उसके थ्रू आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ई KYC प्रक्रिया में ग्राहकों की बायोमेट्रिक जानकारी जमा की जाती है, इसके बाद UIDAI के डेटाबेस से उसकी सत्यता की जांच होती है। ऐसे में ये प्रक्रिया आसान होने के साथ साथ कम खर्चीली है, जिससे इन कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। देश की इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त करने में रियल एस्टेट की मंदी का एक बड़ा रोल है, लेकिन एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस साल मंदी के बावजूद रियल एस्टेट में निवेश बढ़ा है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऑफिस प्रॉपर्टी के दम पर भारत में निवेश बढ़ा है और अगले साल भी इसमें इजाफा होने का अनुमान है। देश में मंदी का माहौल लंबे समय से पसरा हुआ है। इस मंदी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिन सेक्टर्स पर आती है उसमें रियल एस्टेट का भी बड़ा रोल है। देश भर में प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट का आलम है। पोजीशन में देरी, कानूनी मामले और रेगुलेटरी अड़चनों से रियल एस्टेट सेक्टर राहत की मांग कर रहा है, लेकिन ये तमाम दिक्कतें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट का तारणहार बना हुआ है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कोलिनियर्स इंटरनेशनल के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक देश के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करीब 9% बढ़कर 43,780 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कोलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में हुए कुल निवेश में 46% यानी 19,900 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अकेले ऑफिस प्रॉपर्टी की रही। इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के मामले में दिल्ली NCR को पछाड़कर बेंगलुरु अब मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान बेंगलुरु में 4,650 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल का सबसे ज्यादा 25% निवेश हुआ है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी मार्केट मंदी के बावजूद 2018 के मुकाबले
2019 में ज्यादा निवेश हासिल करने में कामयाब रहा है। 2018 के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है, तो ये रुझान दोनों मैच करते हैं, विच इज पॉजिटिव। और 2019 में हम उम्मीद करते हैं जो प्रॉपर्टीज जो हमारी आखिरी तिमाही रही इसमें अच्छा रहा बाजार हमारा रियल स्टेट का कंपैरेटिवली पिछली तिमाहियों से, और 2019 में हम उम्मीद करते हैं कि ये बाजार बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो भी योजनाएं बोली हैं, जो जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनके लिए जो स्ट्रेस फंड घोषित किया है, वो जैसे ही आमली जामा पहनेगा और वो फंड बाजार में आते हैं तो इससे बाजार और अच्छा रहेगा। तो 2020 हम उम्मीद करते हैं कि रियल स्टेट वापस पटरी पे आएगा और चीजें काफी अच्छी रही। इस रिपोर्ट का दिलचस्प पहलू ये है कि इस साल घरेलू रियल स्टेट सेक्टर में जितना निवेश हुआ है उसमें निवेश फंडों की हिस्सेदारी करीब 78% के साथ अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कोलियर्स ने अनुमान लगाया है कि 2020 के दौरान भारतीय रियल स्टेट सेक्टर में निवेश बढ़कर 46,170 करोड़ रुपए पहुँच जाएगा। कोलियर्स इंटरनेशनल इंडिया के मुताबिक निर्माणाधीन ऑफिस प्रॉपर्टी समेत ऐसी प्रॉपर्टीज में निवेश करने पर फायदा हो सकता है जिनकी आईटी सेक्टर से जुड़े बाजारों में बड़ी मांग हो सकती है, यानी बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में निवेशकों के लिए जोरदार मौकों की भरमार है। 2018 के कंपेयर 2019 के अंदर जो निवेश है वो पहले से काफी बेटर रहा, इसमें तकरीबन 8-10% जो है इंक्रीज रहा लास्ट कंपैरिजन टू लास्ट ईयर से। अभी तो मार्केट पॉजिटिव है और आने वाले टाइम पे ही लग रहा है कि अभी तो मार्केट के अंदर इसकी और डिमांड बढ़ने वाली है, तो आने वाले समय के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन इस साल तकरीबन 10-15% और इंक्रीज रहने वाला है। कंसल्टेंट फर्म ने उम्मीद जताई है कि निवेशक अगले 3 साल तक कमर्शियल ऑफिस प्रॉपर्टी पर फोकस जारी रखेंगे। इस सेक्टर में मजबूत मांग और किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद इसकी बड़ी वजह होगी। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु इस मामले में आकर्षक बाजार बने रहेंगे। आदित्य किराना, आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं शुक्रवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल रही। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।